भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान शान मिला यह तेरा पंथ महान आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा पंथ महान हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान पहरेदार खड़ी है आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह तेरा पंथ महान आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह तेरा पंथ महान हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान स्वामी की कृति है भिक्षु स्वामी की धृति है भिक्षु स्वामी की कृति है भिक्षु स्वामी की धृति है सारा भिक्षु का सुविधान मिला यह तेरा पंथ महान सारा भिक्षु का सुविधान मिला यह तेरा पंथ महान हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान
जिसका इसमें एक ही मन उसका ही है यह शासन, जिसका इसमें एक ही मन उसका ही है यह शासन, उसका इससे है सम्मान मिला यह तेरा पंथ महान, उसका इससे है सम्मान मिला यह तेरा पंथ महान, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। जन जन का अभिनंदन गण सदा रहे वन नंदन, लो जन जन का अभिनंदन गण सदा रहे वन नंदन, बदनानंदन का आह्वान मिला यह तेरा पंथ महान, बदनानंदन का आह्वान मिला यह तेरा पंथ महान, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान। अहिंसा का संदेश लिए मेरे गुरु वह चलते हैं,
संतों से कदम मिलाकर सारे संत सती चलते हैं, अहिंसा का संदेश लिए मेरे गुरुवर चलते हैं, कदमों से कदम मिलाकर सारे दक्षिण को चलते हैं। धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण। धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, ज्योति चरणों की चरणों की दिव्य ज्योति से जगमग होगा वो कण कण, करुणा रस का सिंचन पाकर विकसित होगा जग जीवन, युग निर्माता के चरणों में श्रद्धा युक्त हो शीश नमाए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण। मपानी धनी सा मपानी धनी सा मपानी धनी सा नी पम पम गमरे सा, मपानी धनी सा मपानी धनी सा मपानी धनी सा नी पम पम गमरे सा, सर सदा गरम बापानी धनी सा। भव्य हिंसा यात्रा आई सरसेंगे सद्भाव सुमन, भव्य हिंसा यात्रा आई सरसेंगे सद्भाव सुमन, नशा मुक्ति अभियान चलेगा नैतिक होगा अब जन जन, नशा मुक्ति अभियान चलेगा नैतिक होगा अब जन जन, संकल्पों की स्वास्तिक रच कर जीवन की हम ज्योति जलाए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो धूम धूम कर मोद मनाए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो धूम धूम कर मोद मनाए, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रवण। घृणा भाव को दूर करे हम सद्गुण सौरभ है हर मन, घृणा भाव को दूर करे हम सद्गुण सौरभ है हर मन, एक जाति है मनुज मात्र की तोड़े जाति पाती बंधन, एक जाति है मनुज मात्र की तोड़े जाति पाती बंधन, मैत्री समता के फूलों से मन उपवन को हम महकाए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, धन्य हुई है वसुंधराया महाश्रवण गुरुवर आए, दशो दिशाएं पुलकित देखो झूम झूम कर मोद मनाए, जय जय ज्योति चरण we
अहिंसा के विचार को सबके मन उतार दे, नशा मुक्त करके सबका जीवन सवार दे। सद्भावना के भाव से समाज को उभार दे, नैतिक का बोध दे जन जन को तार दे। मेरे गुरु महाश्रमण, मेरे गुरु महाश्रमण, तन मन जीवन सब कुछ अर्पण। तेरे ये चरण कमल जिस ओर जाए, कलयुग में भी बहे सतयुग की ये धारा, शांति दूत आया। भक्त है सभी जोश युक्त है, सेवा संस्कार से संगठन संयुक्त है। पचास वर्ष बाद में मिला गुरु प्रवास है, हम सभी के लिए ये चतुर्मास खास है। Oh,
आप सब सब लोग हो सके, साथियों के परिवार के लोग भी ध्यान रख सकेंगे कि लोग ये तक महसूस ना हो जाए कि कार्यक्रम का तो कार्यक्रम अच्छी तरह से शुरू हो सके। तो रात्रि में सुंदर भावना समारोह कितने मिले है, कितने मिले बार बार चिंतित करना चाहिए सब्जेक्ट कोई होना क्या किया तुम्हें भी आराध्य देव के श्री चरणों में मेरा भाव भीरा वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव विनी वंदना। असाधारण साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर एवं साध्वी वरिया जी के चरणों में मेरा श्रद्धा सिक्त नमन। संयम रूपी चादर को ओढ़ने के लिए अग्रसित दीक्षार्थी बहने एवं भाई और समस्त जन मेदनी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यह वही चेन्नई है जहां आचार्य तुलसी का पादार्पण 50 वर्षों पहले हुआ और 50 वर्षों के बाद उसी आचार्य तुलसी के पटदर आचार्य श्री महाश्रमण जी का पादार्पण इस चेन्नई नगरी में हुआ है। यह वही चेन्नई है जहां आचार्य महाश्रमण जी नए इतिहास रचा रहे हैं और इस चेन्नई चातुर्मास को ऐतिहासिक बना रहे हैं। यह वही चेन्नई की धरा है जहां संपूर्ण परिवार इस 13 पंथ धर्म संघ में समर्पित हो चुका है और एक संपूर्ण परिवार 13 पंथ धर्म शासन में समर्पित होने के लिए उत्सुक है। यह वही चेन्नई है जिसे जैन शासन के चातुर्मासों में सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास घोषित किया गया है। जिस प्रकार हीरे को तराश कर उसको मुकुट में स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रत्येक मुमुक्षु की वृत्तियों को परिमार्जित कर उन्हें 13 पंथ के अधिशास्ता के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाता है और जब वे दीक्षा के योग्य हो जाते हैं तब उन्हें ठीक वैसे ही जैसे आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था के कुछ पुष्प 13 पंथ धर्म के अधिशास्ता के सरताज के श्री चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। आज की शाम संयम राह पर कदम ताल होने जा रहे इन मुसाफिरों के नाम फौलादी संकल्पों के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं दीक्षार्थिनी बहनें। इस संसार की दुनिया की आज आखिरी शाम और ये आखिरी शाम इन दीक्षार्थियों के नाम
इस मंगलमय वेला में मंगलमय शाम है, मंगलमय वातावरण है और इस मंगलमय महाश्रमण समवसरण में प्रारंभ होने जा रहे इस मंगल भावना समारोह की निर्विघ्न संपन्नता और सार्थक सफलता के लिए मेरा निवेदन मुमुक्षु प्रेक्षा से जो आए और इस पूरे समवसरण को मंगलमय बना दे मंगलाचरण हेतु मुमुक्षु प्रेक्षा। समय का थोड़ा अभाव है तो आप कृपया ध्यान रखें, आपका नाम अनाउंस होने के बाद थोड़ी तत्परता रखें, उसके बाद तैयार रहे गणेश गौरव सेठिया अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए। जब तक नम्रता भाई के परिवार वाले तैयार हो, निवेदन गणेश गौरव सेठिया से कि वे आए अपनी भाव की अभिव्यक्ति दे। गणेश गौरव सेठिया। बनते सबको जय जिनेंद्र। जो नहीं किया उसे कभी न कभी करना चाहिए, कभी न कभी अपने लिए जीना चाहिए। मुश्किल से यह जिंदगी मिला है इस बार, इसे सफल और सार्थक बना ले यार। कुछ ऐसा करो कि अनोखी रहे अपनी पहचान, छोड़ जाओ इस दुनिया में अपना कुछ निशान। क्या पता ये जिंदगी मिले ना मिले दोबारा, इसलिए हर क्षण को जी भर जीले मेरे यारा। गौरवित है सेठिया कुल परिजन कि हमारी दो दो लाडली बहनें जी भर के जिंदगी जीने का संकल्प ले रही हैं। वर्तमानिक युग में हर क्षण अप्रमत्त जीवन जीने, वैज्ञानिक युग में विशुद्ध जीवन जीने, शोध और आवेश के युग में आत्मशोध का जीवन जीने, आधुनिक युग में हर रोज एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मेरी दोनों बहना अग्रसर हो रही हैं। मेरी दो बहनों की खासियत क्या है? मेरी दो बहनों में से एक है ब्रांडेड क्वीन तो दूसरी है बातों की क्वीन। हमने ब्रांडेड क्वीन से पूछा, अरे तुम तो ब्रांडेड क्वीन हो, तुम दीक्षा लेकर क्या करोगी? तो उन्होंने कहा, मैंने दीक्षा का पद भी सबसे ब्रांडेड पद चुना है। ठीक है, हम गए हमारे बातों की क्वीन से। हमने बातों की क्वीन से पूछा, तुम तो बातों की क्वीन हो, तुम दीक्षा लेकर क्या करोगी? तो उन्होंने कहा, मुझे बातों का बहुत शौक है तो मुझे बोलने का सार्थक मार्ग यही मिला है, सार्थक मंच बोलने का यही है। मेरे ज्ञात में हमारे सेठिया कुल में इन्हीं का दीक्षा सबसे पहले होने जा रहा है, इसीलिए ये तो पक्का है कि इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सेठिया कुल से पहली दीक्षा होने जा रही है और मैं कहता हूँ कि यह दीक्षा इतिहास बनाएगा। मेरे लिए तो अवश्य ही यह बहुत गौरव की बात है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ मेरी बहनों के मंगल भावना में। दीक्षा का भाव तो सब में होता है, पर कितने लोग उसे सफल कर पाते हैं वह मायने में रखता है। सब कहते हैं कि एक बेटी के लिए अपनी माँ सबसे ज्यादा प्रेम करती है, सब कहते हैं एक बेटी को पापा ज्यादा पसंद करते हैं, पर मैं कहता हूँ नहीं, सबसे ज्यादा प्यार भाई करता है। माँ रोकर दुख दिखा सकती है, बाप क्रोध करके चिढ़ करके दुख दिखा सकता है, परंतु एक भाई ना तो रो सकता है ना चिढ़ सकता है और गुस्सा करने का तो नाम ही नहीं बनता। तो अपने आप के अंदर उस दुख को समेट कर जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है, वैसा शक्ति और किसी में भी नहीं है, ना माता में ना पिता में। सिर्फ एक भाई उस शक्ति को, उस फीलिंग्स को जानता है। तो आज एक भाई जो इतनी सारी बहनों के लिए, सबके लिए मैं एक भाई ही हूँ, परंतु आज मेरी बहन मुमुक्षु प्रेक्षा सेठिया और मुमुक्षु श्वेता सेठिया यहाँ बैठी हैं, इसका मुझे बहुत गौरव हो रहा है। गौरव इस बात का कि ये गौरव आज आचार्य श्री महाश्रमण जी के परिवार से जुड़ने जा रहा है। एक संघ अगर एक जाड़ है, एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष का एक पत्ती बनने जा रही है मेरी बहन।
दोनों बहन एक एक पत्ती बनने जा रही हैं। बस उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हमेशा गुरु के इंगित में रहना, गुरु की सेवा करना, संघ की जिस और संघ की भलाई है उसी और में रहना, अपने आप कल्याण होगा आपका। आत्मा को तारने का सबसे अच्छा रास्ता आपने चुना है और मैं आपके साथ हूँ। आप हमेशा आगे से आगे बढ़ती जाएं, यही मेरी आशा है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। मेरा नम्र निवेदन दीक्षार्थी श्वेता से, वीत रागता लक्ष्य है वीत राग आदर्श, वीत राग बन कर करूं आत्मा का उत्कर्ष। निवेदन मुमुक्षु श्वेता से। हे वी मुझे प्रतिपल अप्रमत्त में रहने की प्रेरणा देने वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के चरणों में वंदना। महातपस्वी हृदय सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, साध्वी प्रमुखा श्री जी के द्वारा रचित एक गीतिका है, उस गीतिका में शायद हमारे भाव समेट जाते हैं। मैं लहर का कर पकड़ उस पार जाऊंगी, मैं लहर का कर पकड़ उस पार जाऊंगी, पार जाऊंगी उस पार जाऊंगी, मैं लहर का कर पकड़ उस पार जाऊंगी। उस पार जाना है जहां सिद्ध भगवान है, जहां अनंत सिद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, लेप रहित है, कर्मों से रहित है। हम सब वीतराग के पद पर अग्रसर हुए हैं और आगे बढ़ते रहें। उस वीतराग पद पर अग्रसर होने के लिए इस जन्म से लेके पिछले अनंत जन्मों में जितने भी निमित्त हमारे सहायक बने हैं उन सबको मेरा आभार, हर निमित्त मेरा उपकारी, हर निमित्त को मेरा आभार। और इस जन्म से लेके पिछले अनंत जन्मों में किसी जीव के प्रति मन में राग द्वेष का भाव आया है तो शुद्ध अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना ओम अरहम। आगे तैयार रहे मुमुक्षु श्वेता के परिवार से गीतिका की प्रस्तुति के लिए। खुशियों के क्षण आए, रानी बेटियों का अभिनंदन परिजन मोद मनाए, स्वर्णिम होगा सीता कुल का ये गाना। हम देते सरल हृदय बन
विमल भाव से कमल कामना करते विद्या विनय विवेक त्रिवेणी में वरना अब मेरा निवेदन मुमुक्षु प्रेक्षा से, जो सबको नहीं मतलब को देखता है उसे हम स्वार्थी कहते हैं, जो अतीत को नहीं अब को देखता है वह पुरुषार्थी होता है, जो एक को नहीं सबको देखता है वह परमार्थी होता है, उसी परमार्थ पथ पर अग्रसर परमार्थ के आकांक्षी मुमुक्षु प्रेक्षा अपने भावों के साथ। शरण प्रभु की आई हूँ मैं, जन्म सफल कर दो। शरण प्रभु की आई हूँ मैं, जन्म सफल कर दो। चरणों के रज स्पर्शन से धन्य मुझे कर दो। शरण प्रभु की आई हूँ मैं, जन्म सफल कर दो। प्राण तुम्ही हो, त्राण तुम्ही हो, शिव सुख के स्पंदन। प्राण तुम्ही हो, त्राण तुम्ही हो, शिव सुख के स्पंदन। संयम पथ पर बढ़ती जाओ, दे दो नव स्पंदन। प्रेक्षा से मल बन जाऊं, ऐसी शक्ति दो। चरणों के रज हूँ स्पर्शन से धन्य मुझे कर दो। शरण प्रभु की आई हूँ मैं, जन्म सफल कर दो। जन्म सफल कर दो। परम को प्रणाम, परम पथ प्रदाता को प्रणाम। परम पथ पर गतिमान मेरे हम सफर भाइयों एवं बहनों, श्रद्धा एवं भक्ति के संगम उपस्थित जन्मेदिनी, संसार की पहचान है नाम, यश, कीर्ति, धन आदि आदि। मेरी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव मुझे वो पहचान दे कि मैं नाम से अनाम की दुनिया में विचरण करूं, काम से अकाम की गगन में विहरण करूं और आश्रव से संवर और निर्जरा के दुनिया में प्रवेश करूं। वासना को जीतने के लिए उठे हुए ये कदम हर संघर्षों को पार करे। कालजयी बनकर वीत भय, वीत द्वेष, वीत राग बने। मुझे प्रसन्नता है कि स्वनाम धन्य बगड़ी के श्री दानमल जी धर्मी चंद जी सेठिया के आंगन में जन्म लेने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। पिता श्री गौतम कुमार जी सेठिया
एवं माता सरला देवी सेठिया ने मुझे सुसंस्कारों का सिंचन दिया। भाइयों एवं बहनों का अपार स्नेह मिला। आज संपत देवी के परिवार से आत्मसंपदा पाने के लिए मैं प्रस्थान कर रही हूँ। भौतिक जगत को अलविदा देने से पहले यहाँ उपस्थित सभी जनों से मेरे शुद्ध अंतःकरण से खमत कामना, आपके जो शुभकामनाएं हैं वो मेरे संपदा बने। आपकी अच्छी आशीर्वादें मेरे लिए संयम पथ के लिए एक बहुत बड़ा निधि बने। यहाँ पर उपस्थित सभी जन और यहाँ पे जो उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने मुझे संयम के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुमोदना दी है, उन सबको मेरा आभार। मैं आप सबके प्रति भी यही मंगल कामना करती हूँ कि आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। सरगम के साथ स्वरों का जीवन में कर ऐसा संगम, भक्ति में लीन होकर हम हो जाएं उसमें मगन, प्रभु चरणों में अपना कर दे सर्वस्व समर्पण, गाए ऐसी धुन की दुनिया हो जाए उसमें मगन, प्रभु चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने जा रही दीक्षार्थी बहनों को बताने के लिए मेरा निवेदन उनके ही अपने परिवार पारमार्थिक शिक्षण संस्था से अपनी गीतिका के साथ। दीक्षा की शुभ वेलाई जी हो, मंगल गाए गाए बहने जी हो, अक्षत कुमकुम का थाल सजाए जी हो, खुशियों की बाजी शहनाई शहनाई हो। दीक्षा की शुभ वेला आई जी हो, मंगल गान गाए बहने जी हो, अक्षत कुमकुम का थाल सजाए जी हो, खुशियों की बाजे शहनाई शहनाई हो। भिक्षु शासन में भिक्षु पर धर के कर कमलों से अंकित अब होगा एक नव इतिहास, एक नव इतिहास। समनी संग साध्वी दीक्षा का दृश्य दिखलाएंगे, एकादशम तेरा पथ सरताज हो सरताज। महाशमनी जी की ममता नव ऊर्जा का स्रोत बनेगी बड़ी, भैक्षव शासन को चमकाना पंचम तीर्थ बन करना मेहनत करी, चंदन सम नंदन वत्सर्पित करो, कुंदन बन रत्नों का आकर भरो, महाशमनी वीणा की चुन अब बनो, जन जन के संग भक्ति के भाव भरो। दीक्षा की शुभ वेला आई जी हो, मंगल गान गाए बहने जी हो, अक्षत कुमकुम का थाल सजाए जी हो, खुशियों की चाहे शहनाई शहनाई हो। आएगा संयम रखना जतन से, बड़े भाग्य से पाया ये अवसर बड़ा ही अनमोल, बड़ा ही अनमोल। गुरुवर का साया रहेगा हर पल, पंच निष्ठा ही जीवन का लक्ष्य, ये गुरुवर के बोल, ये गुरुवर के अंतर की ज्योति जला कर शीघ्र पार करो अब ये तम सागर,
हुकुम का थाल सजाए जी हो, खुशियों की बाजे शहनाई शहनाई हो। दीक्षा की शुभ मेला आई जी हो, मंगल गाने गाए बहने जी हो, अक्षत कुमकुम का थाल सजाए जी हो, खुशियों की बाजे शहनाई शहनाई हो। छाव तो हर पेड़ देता है पर बरगद जैसा नहीं, मैच तो बहुत होते हैं पर इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं, आरती तो बहुत होती है पर पारमार्थिक शिक्षण संस्था जैसी नहीं। तो मेरा निवेदन भव्य आरती के लिए पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनों से आरती के लिए निवेदन। आरती सजाए गाएगी कहे हवाए, संयम की ओर
तुम्हारी दृष्टि उज्ज्वल हमारी सृष्टि जीवन में साधना का वरदान दे दो अब तो चोरी खाता पीता सोता उठता खोजा भिक्षु गया तटे दर्शन तो देना पड़सी सुमिरन किया सरे अचिन क्या काम विघ्न हरन मंगल करन स्वाम भिक्षु रो नाम गुण ओलक सुमिरन किया सरे अचिन क्या काम विघ्न हरन मंगल करन स्वाम भिक्षु रो नाम गुण मोबाइल की Yeah.
ಚಂದನ
कुंकू है बड़ा मम्मी अप्पा ने तो जीवाय राम रमथानम ये संतो मायस बद्धि बरनि बरे नहीं तादेव दिज्जवोहिम आमोगी बहुफलो होई नर तिरिये सुमी जीवा पावंती न दुख दोगत्वं लोग किन्ने की नमी देखे देखो भाई चिंतामणि गप्प पाय भरिये ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु ॐ भिक्षु जय भिक्षु मुनो लक समरण किया सरे न चिंत्या स्वामी तुम एक ना
शत शत प्रणाम हो। Om Abhirashiko Namah, 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 Om Abhirashiko Namah,
हाँ राजस्थान
श्यामी अब तो मारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु श्यामी अब तो मारे आंगणिये ऊभा अडीका कदका आपने ऊभा अडीका कदका आपने पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चाननियो पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चाननियो श्रद्धारा फूल बिछावा सामने श्रद्धारा फूल बिछावा सामने शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झणकार उठे खाता पीता सोता उठता खोजा भिक्षु गया कठे दर्शन तो देना पड़सी आपने दर्शन तो देना पड़सी आपने आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये ऊभा अडीका कदका आपने इसी जग्या नहीं मारे घट में जठे आप रो नाम नहीं आख्या में उतरो तो स्वामिन पाऊं में आराम सही मैं तो नहीं भूला थारे जापने मैं तो नहीं भूला थारे जापने आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये ऊभा अडीका कदका आपने कष्टारी काली राता में एक आप रोही शरणों एकर तो संभाल्या सरसी
बैठ्या कद का दे धरणो भव भव में शरणो थारो मांगने भव भव में शरणो थारो मांगने आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये उभा अडी का कद का आपने कलयुग में आप सरीखा संत पुरुष मिलना मुश्किल अपने श्रम सिंह ही पावे है वीर पुरुष अपनी मंजिल जग ने समझायो रातियों जागने जग ने समझायो रातियों जागने आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये आओ आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये उभा अडी का कद का आपने गण उपवन री शोभा लहर लहर लहरावे है गण गुंबज पर आज देख लियो धर्म ध्वजा फहरावे है तुलसी सा मालिक मिल गया संग ने तुलसी सा मालिक मिल गया संग ने आओ भिक्षु स्यामी अब तुम्हारे आंगणिये उभा अडी का कद का आपने उभा अडी का कद का आपने पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चांदनियो धारा फूल बिछावा सामने श्रद्धारा फूल बिछावा सामने आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तुम्हारे आंगणिये उभा अडी का कद का आपने श्रद्धारा फूल बिछावा